हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इंडिया। आई एम प्रमोद सर। यहाँ हम एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस से संबंधित हैं। ये जितने इंपॉर्टेंट एसएससी के लिए होते हैं उतने ही अन एग्ज़ाम के लिए भी होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो लेट स्टार्ट। इन दीज क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द ईडियम फ्रेज, बोल्ड और अंडरलाइन इन द सेंटेंस, यूज अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। आगे क्वेश्चन में ईडियम फ्रेज दिए गए हैं जो बोल्ड हैं, अंडरलाइन हैं, आपको उनका करेक्ट मीनिंग बताना है जो कि अल्टरनेटिव में दिया हुआ है, विकल्प में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, एट हिज विट्स एंड ही टर्न्ड टू हिज ओल्ड ट्रेड। जब उसे कुछ भी समझ न आया तो वह अपने पुराने धंधे के ऊपर लौट आया। लगता है कि जैसे उसने कोई नया धंधा शुरू किया था, जब कुछ समझ में नहीं आया तो वह पुराने धंधे की तरफ लौट आया। देखिए, विट मतलब होता है बुद्धि और एंड मतलब समाप्त होना। एट इज विट्स एंड मतलब जहां बुद्धि समाप्त हो जाए, समझ में ना आए, दिमाग काम ना करे। इसके विकल्प देखिए, कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वासपूर्वक, आफ्टर केयरफुल थिंकिंग, अच्छी तरह से सोच विचार करने के बावजूद के बाद, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कोई भी समझ में ना क्या किया जाए, ना समझ में आ रहा क्या किया जाए, ओवर जॉयड, अति आनंदित। तो एट हिज विट्स एंड हो जाएगा नॉट नोइंग व्हाट टू डू, यह समझ में ना आना कि क्या किया जाए। आंसर हो जाएगा इसका सी। द डे द न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च, द पीपल मेड अ बी लाइन टू परचेज इट। जिस दिन नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, लोगों ने उसको खरीदने के लिए भीड़ लगा ली। मेड अ बी लाइन होता है भीड़ लगा लेना, या बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी की तरह टूट पड़ना, यानी कि भीड़ लगा देना। रज होता है भीड़ लगाना, रिफ्यूज होता है इंकार करना, वेंट ऑनलाइन लाइन में खड़े होना, वर डाउटफुल संदेह होना। तो मेड अ बी लाइन हो जाएगा रस्ट, भीड़ लगा लेना। आंसर हो जाएगा इसका ए। ही यूजली गोज टू बेड वेरी अर्ली एंड राइजेज विद द लार्क। वह बहुत जल्दी सो जाता है और एकदम सुबह में उठ जाता है, बहुत जल्दी उठ जाता है। राइज विद द लार्क होता है बहुत जल्दी उठना। लार्क एक प्रकार का पक्षी होता है और आप जानते हैं पक्षी जो होते हैं एकदम सुबह में उठ जाते हैं, चहचहाने लगते हैं, तो इसलिए राइज विद द लार्क होता है एकदम सुबह में जल्दी उठना। वेरी अर्ली बहुत जल्दी, आफ्टर सनराइज सूर्योदय के बाद, वेरी लेट देर से, एट मिड नाइट अर्धरात्रि में। तो राइज विद द लार्क हो जाएगा वेरी अर्ली बहुत जल्दी। When he comes to dancing, he is all thumbs। जब डांस करने की बात आती है तो वह बिल्कुल बेढंगा होता है। कभी कभी आप देखते होंगे शादी ब्याह के जब होती है तो उसमें कुछ बड़े बेढंगे तरीके से भी नाच देते हैं, तो all thumbs होता है बेढंगे तरीके से नाचना। तो ए ट्रेनर हो जाएगा प्रशिक्षण देने वाला, प्रशिक्षक, लेजी, आलसी, क्लमजी, बेढंगा एंड एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। ऑल थम्स होता है बेढंगा, क्लमजी। आंसर हो जाएगा इसका सी। Nowadays it has become a fashion to take French leave। आजकल ये फैशन बन गया है कि बिना बताए क्लास से या काम की जगह से हम अनुपस्थित हो जाएं। तो फ्रेंच लीव होता है बिना बताए कक्षा से या किसी काम कार्यस्थल से गायब हो जाना। तो सीकिंग परमिशन फ्रॉम फ्रेंच एम्बेसी, फ्रेंच एम्बेसी, एम्बेसी आप जानते हैं जहाँ राजदूत वगैरह रहते हैं, तो फ्रेंच एम्बेसी से परमिशन मांगना। सेइंग गुड बाई इन फ्रेंच स्टाइल, फ्रेंच स्टाइल में गुड बाई कहना। एबसेंटिंग वंस विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के गायब हो जाना। टेकिंग लीव टू गो टू फ्रांस, फ्रांस जाने के लिए छुट्टी लेना। तो फ्रेंच लीव हो जाएगा एबसेंटिंग वंस विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, बिना अनुमति लिए गायब हो जाना। आंसर हो जाएगा इसका सी। इवन इन द मिडिल ऑफ द फायर ही केप्ट अ लेवल हेड। आग में फंस जाने के बावजूद उसने अपना दिमागी संतुलन बनाए रखा। केप्ट अ लेवल हेड होता है दिमागी संतुलन बनाए रखना या समझदारी दिखाना। वाज सेंसिबल, समझदारी दिखाना। वाज सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित होना। वाज इम्पल्सिव, उतावला होना। वाज क्रेजी, सनकिया, पागल होना। तो केप्ट अ लेवल हेड हो जाएगा वाज सेंसिबल, समझदारी दिखाना। आंसर हो जाएगा इसका ए। द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जुगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच। जो जीतने वाली टीम थी उसने यह डिसाइड किया कि वह मैच के आखिरी चौथाई भाग में पूरी ताकत से हमला करेगी, या जो जो विरोधी टीम है उसकी सबसे जो कमजोर बिंदु है उस पर हमला करेगी। जुगलर होता है, जुगलर नस होती है जो गर्दन के पास होती है। तो आप देखे होंगे जो शिकारी पशु होते हैं जैसे शेर वगैरह, तो वो जब किसी जानवर का शिकार करते हैं तो गर्दन पर ही वार करते हैं। तो इस यहाँ से आया है गो फॉर द जुगलर, यानी कि मुख्य बिंदु पर हमला करना। तो गो फॉर द जुगलर हो जाएगा मुख्य बिंदु पर हमला करना या पूरी ताकत से हमला करना। अटैक ऑल आउट, पूरी ताकत से हमला करना। गिव इजी अपॉर्चुनिटीज टू द अपोजिट टीम, विरोधी पक्ष को बहुत आसान मौके देना। फॉरफिट मैच, मैच जब्त कर लेना। गिव रिजर्व प्लेयर्स ए चांस, जो आपके अलग से खिलाड़ी रखे गए हैं उनको मौका देना। तो गो फॉर द जुगलर हो जाएगा हर तरह से हमला करना, अटैक ऑल आउट। आंसर हो जाएगा ए।
ही एंड हिज नेवर आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स, वह उसका पड़ोसी हमेशा मतभेद में रहते हैं। एट लॉगर हेड्स हो जाएगा हमेशा मतभेद होना। एब्यूजिंग ईच अदर, एक दूसरे को गाली देना। एलूफ फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग थलग रहना। एग्री ऑन एवरीथिंग, हर बात पर सहमत होना। डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, हर बात पर असहमत होना। आंसर हो जाएगा इसका डी, एट लॉगर हेड्स हो जाएगा हर बात पर असहमत होना। आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टूडे, मैं आज घर ही पर रहूँगा क्योंकि आज मेरी कुछ आज मैं कुछ अस्वस्थ सा महसूस कर रहा हूँ। अंडर द वेदर होता है मौसम का असर पड़ने से थोड़ा बीमार जैसा महसूस करना या अस्वस्थ महसूस करना। अनहैप्पी नाखुश, इरिटेटेड चढ़ा हुआ, डिप्रेस दुखी उदास, सिक होता है अस्वस्थ। देखिए एक होता है इल, इल मतलब बीमार पड़ जाना, बीमार, और सिक मतलब होता है थोड़ा ऐसा कुछ तबीयत ठीक नहीं लगे, एक दो दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा, उस टाइप का सिक होता है। तो अंडर द वेदर हो जाएगा सिक, आंसर हो जाएगा इसका डी। आई होप यू विल बैक मी एट द मीटिंग, मैं आशा करता हूँ कि तुम मीटिंग में मेरा समर्थन करोगे। बैक मी होता है समर्थन करना। फॉलो अनुसरण करना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, सपोर्ट समर्थन करना, स्पीक आफ्टर आई डू यानी कि मेरे कर लेने के बाद बोलना। तो बैक मी होता है समर्थन करना, सपोर्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। माई फ्रेंड एंड ऑलवेज एंड आई ऑलवेज गो डच व्हेन वी ईट आउट, मेरा मित्र और मैं जब भी हम बाहर खाने जाते हैं तो हम खर्च को बांट लेते हैं। गो डच होता है खर्च को बांट लेना। पे फॉर ईच अदर्स मील, एक दूसरे के खाने का पैसा देना। गो टुगेदर साथ साथ जाना। डिवाइड द कॉस्ट, खर्च को बांट लेना। ड्राइव टुगेदर साथ साथ गाड़ी चलाना। गो टुगेदर हो जाएगा डिवाइड द कॉस्ट, खर्च को बांट लेना। तो सी हो जाएगा इसका। अ क्लोज फिस्टेड मैन डज नॉट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कोई कंजूस व्यक्ति किसी ह्यूमन लाइफ मनुष्य के जो जीवन है उसका जो महत्व है उसको नहीं समझता है। देखिए फिस्ट होता है मुट्ठी, क्लोज फिस्टेड मतलब वह आदमी जो मुट्ठी बंद करके खर्च करता हो यानी कि बहुत कम खर्च करता हो यानी कंजूस टाइप का हो, तो क्लोज फिस्टेड मैन होता है कंजूस। पुअर मैन गरीब आदमी, इल मैनर्ड जो बदतमीज टाइप का हो, माइजर कंजूस, रिच मैन धनी आदमी। क्लोज फिस्टेड मैन हो जाएगा माइजर कंजूस, आंसर हो जाएगा इसका सी। He is as deft as a brush, I don't believe a word of what he says, वह एकदम मूर्ख है, उसी कही हुई बात पर बिल्कुल विश्वास मत करो। As deft as a brush होता है बिल्कुल ही बेवकूफ। A liar झूठा, really silly एकदम मूर्ख, very funny बहुत मजा किया, unreliable जिस पर भरोसा ना किया जा सके। As deft as a brush हो जाएगा really silly एकदम मूर्ख, आंसर हो जाएगा इसका बी। आई शैल ऑलवेज रिमेंबर माई अल्मा मेटर विद ग्रेटिट्यूड, मैं अपने पुराने संस्थान को या वह अल्मा मेटर होता है वह संस्थान जहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की हो, तो मैं अपने संस्थान को कृतज्ञता के साथ याद करूँगा। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, तो मैं अपने संस्थान को कृतज्ञता के साथ याद करूँगा। अल्मा मेटर होता है वह जगह जहाँ आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एजुकेशन प्राप्त की हो। तो टीचर हु इंस्पायर्ड अस, वे टीचर जो हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। मदर्स लविंग केयर, माँ का प्रेम भरा स्नेह। किंडरगार्टन डेज, जो स्कूल में जो बचपन के जो दिन थे वे। इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट केयर, वह संस्थान जहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की हो। अल्मा मेटर हो जाएगा इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, आंसर हो जाएगा सर डी। इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स आर गवर्न्ड बाय द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिख, जो अंतर्राष्ट्रीय धन संबंधी मामले होते हैं वे ज्यूरिख जो वे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर के द्वारा संभाले जाते हैं। द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिख होता है बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर। ज्यूरिख जानते हैं आप जगह है। विच क्राफ्ट ऑफ ज्यूरिख, ज्यूरिख का की जादूगरी, विच क्राफ्ट होता है जादूगरी। फॉरन लीडर्स होता है विदेशी नेता। बिग इंटरनेशनल बैंकर्स हो जाएगा बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर। गार्जियंस ऑफ ट्रेजर मतलब कि खजाने के रक्षक। तो द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिख हो जाएगा बिग इंटरनेशनल बैंकर्स, बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर। टू मेक अप वंस माइंड, अपना मन बना लेना या निश्चय कर लेना। टू डिसाइड व्हाट टू डू, निश्चय कर लेना। टू रिमेंबर थिंग्स क्विकली, चीज़ें जल्दी जल्दी याद करना। टू रिमाइंड वंस सेल्फ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की याद दिलाना। टू थिंक क्रिएटिवली, तो रचनात्मक तरीके से सोचना। टू मेक अप वंस माइंड होता है टू डिसाइड व्हाट टू डू, डिसाइड व्हाट टू डू, निश्चय कर लेना कि क्या करना है, आंसर हो जाएगा इसका ये। टू पुट इन नटसेल, संक्षेप में कहना। टू बी लॉन्ग एंड एग्जॉस्टेड अबाउट समथिंग, विस्तार से कहना। टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली, संक्षेप में कहना। टू प्लेस समथिंग, कुछ रखना। टू बी ब्लंट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही बेरुखे तरीके से बात करना। टू पुट इन नटसेल होता है संक्षेप में कहना। टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली, आंसर हो जाएगा इसका बी। देर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस प्रूव टू बी अ वाइल्ड गुड चीज, स्टोलन नेकलेस चोरी किया हुआ हार, जो हार चोरी हो गया था उसको वापस से फिर से प्राप्त करने का उनका जो प्रयास था व्यर्थ साबित हुआ। वाइल्ड गुड चीज होता है व्यर्थ की खोज, चेज मतलब पीछा, वाइल्ड गो जंगली कलहंस होता है, इसको पीछा करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो वाइल्ड गुड चेज वहीं से आया है, व्यर्थ का पीछा।
टाइमली एक्शन, समय पर लिया गया एक्शन, यूजलेस सर्च, व्यर्थ की खोज, वाइज डिसीजन, बुद्धिमत्तापूर्ण का निर्णय, डिलेड एक्शन, देर से की गई कार्यवाही, वाइल्ड गुड चेज हो जाएगा, यूजलेस सर्च, आंसर हो जाएगा इसका बी। आई कैन फिनिश द वर्क बाई मायसेल्फ बट सी ऑलवेज ट्राई टू बी अ बैक सीट ड्राइवर, मैं काम को खुद ही खत्म कर सकता हूँ लेकिन वह हमेशा बिना मांगे सलाह देती रहती है। ड्राइवर, अब एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कोई पीछे बैठ के फालतू का उसको सलाह देता रहे, तो बैक सीट ड्राइवर बिना मांगे सलाह देने वाला। पर्सन हु मिसजज अदर्स, जो दूसरों का गलत आकलन करता हो। पर्सन हु वांट टू डू थिंग्स बाय हरसेल्फ, जो खुद काम करना चाहती हो। पर्सन हु फॉल्सली एक्यूजेज अदर्स, जो दूसरों को झूठ मूठ का आरोप लगाता रहता, झूठा आरोप लगाता रहता हो। पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, बिना मांगे सलाह देता रहता हो, तो बैकसीट ड्राइवर हो जाएगा पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, बिना मांगे सलाह देने वाला, आंसर हो जाएगा इसका डी। सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम, कुछ जो गोलियां चलाई गई थी वो बिना लक्ष्य के चलाई गई थी। एट रैंडम होता है बिना लक्ष्य के, विदाउट एनी एम, बिना लक्ष्य का, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, टू एंड क्वायर, झगड़ा समाप्त करना, थॉरली, अच्छी तरह से। एट रैंडम हो जाएगा विदाउट एनी एम, बिना लक्ष्य का, आंसर हो जाएगा इसका ए। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी, वह कहानी के बीच में अचानक रुक गया। ब्रोक ऑफ होता है अचानक रुक जाना, फेंटेड, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, सडनली स्टॉप्ड, अचानक रुक जाना। डिवाइडेड हिज नैरेटिव, अपनी बात को कई भागों में बांट के कहना। टुक टाइम ऑफ, रुक जाना या समय लेना, तो ब्रोक ऑफ हो जाएगा सडनली स्टॉप, अचानक रुक जाना, आंसर हो जाएगा इसका बी। आफ्टर द पब्लिक मीटिंग द क्राउड वेंट हे वायर, पब्लिक मीटिंग के जब मीटिंग समाप्त हो गई तो भीड़ जो है नियंत्रण के बाहर हो गई। वेंट हे वायर होता है नियंत्रण के बाहर चले जाना। वर इन जुबिलेशन, आनंदित होना। प्रोटेस्टर विरोध करना, बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर चले जाना। लेफ्ट द वेन्यू, वेन्यू होता है कार्यक्रम स्थल या घटना स्थल, तो वहाँ से उसको छोड़ के चले जाना। वेंट हे वायर हो जाएगा बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, बिकम आउट ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण के बाहर हो जाना, आंसर हो जाएगा इसका सी। My father dealing are open and above board, मेरे पिताजी के जो काम होते हैं वो बहुत ही ओपन होते हैं और बहुत ही ईमानदारीपूर्ण होते हैं, वो कुछ भी छिपाते नहीं हैं, बिना कुछ छिपाए अपना काम करते हैं। Above board होता है ईमानदारीपूर्ण या बिना कुछ छिपाए। To everyone's liking, हर किसी की पसंद का, mandatory, अनिवार्य, without any secret, बिना कुछ छिपाए, वेरी क्लियर, एकदम स्पष्ट। अबव बोर्ड हो जाएगा विदाउट एनी सीक्रेट, बिना कुछ छिपाए। विनिंग द कंपटीशन वाज क्वाइट ए फेदर इन माय कैप, कंपटीशन को जीतना मेरे लिए एक उपलब्धि थी। रिवार्डिंग इनाम, एन एक्साइटिंग मोमेंट, उत्तेजनापूर्ण क्षण, एन अचीवमेंट, उपलब्धि, ए जॉय फॉर माय पेरेंट, मेरे माता पिता के लिए खुशी का अवसर जो था। ए फेदर इन माय कैप हो जाएगा एन अचीवमेंट, मतलब उपलब्धि, आंसर हो जाएगा इसका सी। When he asked me the way to the cafeteria, I told him to follow his nose. जब उसने मुझसे कैफेटेरिया का रास्ता पूछा, मैंने कहा एकदम ना कि सीधे में सीधे चले जाओ। कैफेटेरिया क्या होता है? कैफेटेरिया होता है जैसे रेस्टोरेंट होता है, जहाँ पे वेटर नहीं होते हैं, वहाँ आप ऑर्डर देते हैं, पैसा देते हैं और खाना खुद ही लेते हैं। मैकडोनल्ड्स वगैरह के जो होते हैं आजकल, मॉल वगैरह आप देखे होंगे, तो कैफेटेरिया कहलाता है। तो फॉलो हिज नोज, किसी के एकदम ना कि सीधे में जाना, मतलब एकदम सीधे जाना। टू फाइंड इट बाई हिमसेल्फ, खुद ही पता लगा लेना। टू आस्क समवन, इस किसी अन्य से पूछना। टू फॉलो मी, अनुसरण करना। टू गो स्ट्रेट अहेड, एकदम सीधे चले जाना। फॉलो ही नेज हो जाएगा टू गो स्ट्रेट अहेड, एकदम सीधे जाना, आंसर हो जाएगा इसका डी। दे हैव लेस्ड ऑन टू टूरिज्म एज अ वे ऑफ बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी, स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है, उन्होंने स्थानीय अर्थव्यवस्था को की समृद्धि के लिए क्या किया, पर्यटन को बढ़ावा दिया है। तो लेज्ड ऑन होता है बढ़ावा देना, प्रमोट बढ़ावा देना, डिस्कवर होता है खोज करना, एक्सपोज पोल खोलना, एक्सप्लोर पता लगाना। तो लेज्ड ऑन हो जाएगा बढ़ावा देना, प्रमोट, आंसर हो जाएगा इसका ए। व्हाई डू यू फाइट सॉरी ऑफ मी, तुम मुझसे नजरें क्यों चुराते हो, मुझसे बचते क्यों हो। तो फाइट विथ होता है झगड़ा करना, अवॉइड होगा बचना, टालना। एम्बेरस होता है शर्मिंदा करना, साउटेड चिल्लाना। फाइट सॉरी ऑफ हो जाएगा अवॉइड, टालना या नजरें चुराना, आंसर हो जाएगा इसका बी। योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडेड फ्यूल टू द फायर, फायर मतलब आग, फ्यूल मतलब ईंधन, आग में आप ईंधन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, और भड़केगी, मतलब एक तो स्थिति पहले ही खराब थी, कुछ और बिगड़ जाना। तुम्हारी टिप्पणियों ने आग में घी डालने का काम किया है, मतलब कि स्थिति जो पहले ही बिगड़ी हुई थी उसको और बिगाड़ दिया है। तुम्हारी टिप्पणियों ने चर्चा के दौरान स्थिति को और बिगाड़ दिया। गॉट अदर्स एंग्री, दूसरों को क्रोधित कर दिया। इग्नाइटेड द फायर प्लेस, फायर प्लेस में आग लगा दिया। फायर प्लेस आप जानते हैं कमरे में वह जगह होती है जहाँ जाड़े वगैरह के समय आग लगाई जाती है, फिल्मों में देखे होंगे आप अक्सर। वर्सेंड मैटर्स, स्थिति को और बिगाड़ देना। क्रिएटेड वार्म्थ ऑल अराउंड, चारों तरफ गर्मी उत्पन्न करना। तो एडेड फ्यूल टू द फायर हो जाएगा वर्सेंड मैटर, स्थिति को और बिगाड़ देना, आंसर हो जाएगा इसका सी। वर्स से वर्सेंड बना है, आंसर सी हो जाएगा इसका। द स्टूडेंट्स वर ऑल इयर्स व्हेन द स्पीकर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द चेंज इन द एग्जाम, स्टूडेंट जो थे वो बहुत ध्यान से सुने जब स्पीकर ने यह बताना शुरू किया कि परीक्षा में क्या क्या बदलाव हुए हैं। ऑल ईयर्स होता है बहुत ध्यान से, तो
तो स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, साइलेंट शांत गुप शांत चुप, रेस्टलेस बेचैन अटेंटिव ध्यान से, ऑल ईयर्स जाएगा ध्यान से, अटेंटिव आंसर हो जाएगा इसका डी। ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच, वह बहुत अच्छा बोला यद्यपि उसका प्रथम भाषण था। मेडन स्पीच होता है प्रथम भाषण, लॉन्ग स्पीच लंबा भाषण, फर्स्ट स्पीच पहला भाषण, ब्रीफ स्पीच संक्षिप्त में दिया गया भाषण, इमोशनल स्पीच भावनापूर्ण भाषण। तो मेडन स्पीच हो जाएगा फर्स्ट स्पीच पहला भाषण, आंसर हो जाएगा इसका बी। यू कैनॉट थ्रो डस्ट इन टू माई आईज, तुम मेरी आंखों में धूल नहीं धोक सकते, मतलब मुझे धोखा नहीं दे सकते। टेरीफाई डराना धमकाना, चीट धोखा देना, हर्ट चोट पहुँचाना, अब्यूज गाली देना। तो थ्रो डस्ट इन टू माई आईज हो जाएगा चीट मी, आंसर हो जाएगा इसका बी। ही इज कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट, उसको रात में समस्या करने में कोई उसको रात में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, मतलब कि वो रात में काम करने के लिए तैयार है। कूल अबाउट वर्किंग हो जाएगा रेडी टू वर्क, काम करने के लिए तैयार रहना। नॉट रेडी टू वर्क, काम करने के लिए ना तैयार रहना। एक्साइटेड अबाउट वर्किंग, काम करने के लिए अति उत्साहित होना। ग्रजिंगली वर्किंग, भुनभुनाते हुए काम करना, ग्रजिंगली होता है भुनभुनाते हुए, मन में भुनभुना भी रहे हैं काम भी कर रहे हैं। तो कूल अबाउट वर्किंग हो जाएगा रेडी टू वर्क, काम करने के लिए तैयार रहना, आंसर हो जाएगा इसका ए। जैसे कहते हैं कूल गाय, कूल है मतलब ठीक है, एडजस्ट हो जाता है, तो वो ऐसा ए। इन हिज सैलड डेज ही वाज क्वाइट अ डैंडी, वह अपनी जवानी के दिनों में बड़ा छल छबीला टाइप का था। तो सैलड डेज होता है जवानी के दिन, चाइल्डहुड बचपन के दिन, एडोलसेंस जवानी के दिन, स्कूल डेज स्कूल के दिन, ओल्ड एज बुढ़ापा। सैलड डेज हो जाएगा जवानी के दिन, एडोलसेंस, आंसर हो जाएगा इसका बी। आउट ऑफ फेलियर ही स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू बी लेड बाई द नोज, असफलता के बाद उसने दूसरों की सलाह पर चलने से इंकार कर दिया। लेड बाई द नोज होता है लेड बाई द नोज होता है दूसरे की सलाह पर चलना, कोई किसी की नाक पकड़ के घुमा दे ऐसे चलो ऐसे चलो वो। बी लेड बाई फिजिकल डिजायर्स, शरीर की इच्छाओं के अनुसार काम करना। फॉलो सबमिसिवली, दास के समान या नौकर के समान दूसरे का अनुसरण करना। फॉलो वॉट अदर सजे, दूसरे की सलाह पर चलना। बी अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, दुष्परिणाम से डरना, कॉन्सिक्वेंस होता है परिणाम या दुष्परिणाम। लेड बाई द नोज जाएगा, फॉलो वॉट अदर सजेस्ट, आंसर हो जाएगा इसका सी, दूसरे की सलाह पर चलना। द सिचुएशन इन हेती वाज गेटिंग हॉटर बाय द मिनट, हेती में जो सिचुएशन थी स्थिति वह हर मिनट बिगड़ती जा रही थी। गेटिंग हॉटर होता है तेजी से बिगड़ना। ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस, महत्व बढ़ना। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान बढ़ना। इम्प्रूविंग रैपिडली, इम्प्रूव रैपिडली हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूव करना, तेजी से इम्प्रूव करना, सुधरना। डिटीरेटिंग रैपिडली, बहुत तेजी से बिगड़ना। तो गेटिंग हॉटर हो जाएगा डिटीरेटिंग रैपिडली, बहुत तेजी से बिगड़ना, आंसर हो जाएगा इसका डी। द प्लेयर्स स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द स्टेडियम आफ्टर ए हॉट हेडेड गेम, बहुत एक गहमा गहमी वाली बहस, तूतूमय वाली बहस, या ऐसा कुछ खेल हुआ, कोई खेल हुआ ऐसा जिसमें ऐसे खेल के बाद प्लेयर्स जो थे वो स्टेडियम से अपना गुस्सा दिखाते हुए चले गए। स्टॉर्म आप जानते हैं तूफान, स्टॉर्म आउट तूफान की तरह जाना, मतलब कि गुस्सा दिखाते हुए जाना। वेंट आउट ब्रेकिंग थिंग्स ऑन देयर वे, रास्ते में चीज़ों को तोड़ते फोड़ते जाना। क्रेप्ट आउट थ्रू अ डिफरेंट एग्जिट, क्रीप आउट होता है जैसे रेंग करके निकलना। डिफरेंट एग्जिट मतलब कोई दूसरा एग्जिट, आप जानते हैं निकलने का रास्ता होता है, तो किसी दूसरे रास्ते से निकलना रेंग करके। वेंट आउट मीकली, एकदम चुपचाप चले जाना। वेंट आउट सोइंग देयर एंगर, अपना गुस्सा दिखाते हुए जाना। तो स्टॉर्म आउट होता है वेंट आउट सोइंग देयर एंगर, आंसर हो जाएगा इसका डी। दिस इंसिडेंट कॉज फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन बट द अथॉरिटी सीम्स टू बी ड्रैगिंग इट्स फीट, यह घटना जो है वह तुरंत हस्तक्षेप की मांग करते हैं, लेकिन लगता है अधिकारी लोग इसमें टाल रहे हैं मामले को और काम करने के लिए अनिच्छुक हैं। देखिए ड्रैग होता है घसीटना, फीट होता है पैर, कोई पैर घसीट करके आपके साथ चले, यानी कि या तो थका हुआ या फिर उसका चलने का मन नहीं है, फालतू में ऐसे ही चल रहा है। तो ड्रैगिंग इट्स फीट होता है अनिच्छुक होना, टार्डी और रिलेक्टेंट टू एक्ट, अनिच्छुक होना किसी काम के लिए। इशूइंग अ सो कॉल्ड नोटिस, कारण बताओ नोटिस देना। डिलिबरेटिंग स्टर्न एक्शन, कड़ी कार्रवाई करना। कंटेम्पलेटिंग अ ट्रायल, किसी मुकदमे पर विचार करना। तो ड्रैगिंग इट्स फीट हो जाएगा टार्डी और रिलेक्टेंट टू एक्ट, आंसर हो जाएगा इसका ए, अनिच्छुक होना। मैनी वुड बी लीडर्स हैव फीट ऑफ क्ले, बहुत से भविष्य के जो नेता हैं उनमें चरित्रगत दोष हैं। फीट ऑफ क्ले, क्ले मतलब मिट्टी, फीट मतलब पैर, कोई मिट्टी मूर्ति है अगर उसके पैर मिट्टी के हैं तो कैसे हैं, कमज़ोर हैं, उनमें कुछ त्रुटि है, कमी है। तो फीट ऑफ क्ले होता है फ्लॉड पर्सनैलिटी। एलिफेंटियसिस देख लीजिए, पहले एलिफेंटियसिस हो जाएगा वो आपका फील पाँव, बीमारी होती है, पैर में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, फूल जाता है एकदम पैर,
एलिफेंटियसिस, निम्बल फीट, फुर्तीला पैर और फ्लॉट पर्सनैलिटी, चरित्रगत दोष, रन द बिजनेस ऑफ क्ले मॉडलिंग, क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी के मॉडल बनाने का बिजनेस करना, फीट ऑफ क्ले हो जाएगा और फ्लॉट पर्सनैलिटी, चरित्र में कोई दोष होना, आंसर हो जाएगा सी। यू फाइंड अ ब्लैक सीप इन एवरी कम्युनिटी, हर समुदाय में आपको कुछ बदनाम लोग मिल जाएंगे, कलंक टाइप के, कुल कलंक जिसको कहते हैं। तो ब्लैक सीप होता है बदनाम व्यक्ति, तो वन हु डज नॉट कोऑपरेट, जो कोऑपरेट ना करता हो, पर्सन विथ बैड रेपुटेशन, जो बदनाम हो, वन हु लिव द लाइफ ऑफ शेम, जो शर्मिंदगी जीवन जीता हो, वन हु इज ऑलवेज डूइंग रॉन्ग, जो हमेशा गलती करता हो। तो ब्लैक शीप क्या होता है, देखिए शीप भेड़ शीप कैसी होती हैं, वाइट होती हैं, तो अगर कोई इसमें ब्लैक निकल जाए तो अलग हो जाए, तो वहाँ से आया है, पर्सन विथ बैड रेपुटेशन ब्लैक शीप होता है, बदनाम व्यक्ति, आंसर हो जाएगा वी। टू ग्रीज द पाम, पाम होता है हथेली, ग्रीज मतलब कुछ चिकना करना, हथेली गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना, घूस देना, इस टाइप का सेंस है यहाँ पर। टू ग्रीज द पाम होता है घूस देना। टू रब ऑयल ऑन द हैंड, हाथ पर तेल रगड़ना। टू लुब्रिकेट द मशीन पार्ट, मशीन पार्ट को चिकना करना, लुब्रिकेट होता है चिकना करना। टू ब्राइब होता है घूस देना। टू कट द ट्री, पेड़ काटना। टू ग्रीज द पाम हो जाएगा टू ब्राइब, घूस देना, आंसर हो जाएगा सी। When he left, he was extremely disappointed. I think he has gone for good. तो मुझे जब वह गया तो बहुत ज़्यादा निराश था, मुझे लगता है कि हमेशा के लिए वो चला गया। फॉर गुड होता है हमेशा के लिए। टू सीक फॉर गुड, अच्छे की तलाश करना। टू ए गुड प्लेस, अच्छी जगह जाना। टू ए फॉरन कंट्री, विदेश जाना, परमानेंटली हमेशा के लिए। फॉर गुड होता है हमेशा के लिए, परमानेंटली, आंसर हो जाएगा इसका डी। हिज रिसेंट स्टेटमेंट इज इन अबाउट टर्न, उसका जो हाल ही का बयान है वह एकदम इसमें वो पलट गया है अपनी बात पर। एन अबाउट टर्न, टर्न आप जानते हैं घूमना, तो एन अबाउट टर्न एकदम पलट जाना। ए गुड अनाउंसमेंट, अच्छी घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, युद्ध की घोषणा। कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, विचारों का एकदम पूरी तरह से पलट जाना, बदल जाना। ए बोल्ड स्टेटमेंट, कोई बोल्ड स्टेटमेंट, कोई बोल्ड आपने स्टेटमेंट दे दिया वो, तो एन अबाउट टर्न हो जाएगा कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, आंसर हो जाएगा इसका सी। द ट्रायल मेड ए मॉकरी ऑफ जस्टिस, जो मुकदमा था उसने एकदम न्याय का मजाक बना के रख दिया। मेड ए मॉकरी होता है सिस्टम का मजाक बना कर करना। आप जैसे कोई मुकदमा हो जाए, मान लीजिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इस टाइप का, तो पता लगे मुकदमा है क्या है ऐसा कुछ, तो मेड ए मॉकरी व्यवस्था का मजाक बना के रख देना। पीपल मॉक्ड एट द जजमेंट, लोगों ने जजमेंट का मजाक बनाया। इट वॉज अ मॉक ट्रायल, या एक नकली मुकदमा था। देयर वॉज नो सीरियस आउटकम, कोई गंभीर परिणाम नहीं निकला। मेड द सिस्टम लुक रिडिकुलस, सिस्टम को एकदम मजाकिया बना के रख दिया। मेड अ मॉकरी होता है मेड द सिस्टम लुक रिडिकुलस, आंसर हो जाएगा इसका डी। बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म आप जानते हैं तूफान, तूफान में है, यानी कि यहाँ पे मतलब होता है विवाद में पढ़ना। टू बी डीपली इन्वॉल्व इन ए जॉब, किसी जॉब में बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो जाना, काम, किसी काम में। टू बी डीपली इन्वॉल्व इन ए पोलिटिकल मूवमेंट, किसी राजनीतिक आंदोलन में इन्वॉल्व हो जाना, शामिल हो जाना। टू बी इन्वॉल्व इन ए कंट्रोवर्सी, किसी विवाद में फंस जाना। टू बी डीपली इन्वॉल्व इन ए क्राइम, किसी अपराध में पड़ जाना। तो बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म हो जाएगा टू बी इन्वॉल्व इन ए कंट्रोवर्सी, किसी विवाद में पड़ना, आंसर हो जाएगा इसका सी। टफ एक्ट टू फॉलो, अब किसी ने कोई काम कर दिया, बड़ा कठिन काम कर दिया, अब उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके जैसा कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसा काम जिसको दोहराना कठिन हो, जिसके जैसा करना कठिन हो। एक्टिंग लाइक ए टफ मैन, किसी टफ आदमी की तरह व्यवहार करना। डिफिकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट, ऐसा कोई काम हो जाए जिसकी तरह जैसा करना मुश्किल हो। डिफिकल्ट टू एक्ट वेल, अच्छी एक्टिंग करना कठिन हो। एक्टिंग स्किल इज टफ, किसी की एक्टिंग स्किल, एक्टिंग करने की जो स्किल है वो टफ है, कठिन है। तो इसका टफ एक्ट टू फॉलो हो जाएगा डिफिकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट, जिसके जैसा करना कठिन हो, आंसर हो जाए इसका बी। टू गिव द कोल्ड शोल्डर, किसी का ठंडा स्वागत करना, मतलब एक तरह स्वागत ना ही करना, टू गिव द कोल्ड शोल्डर होता है। टू बी अनफ्रेंडली, मतलब मित्रता ना दिखाना या ठंडा स्वागत करना। पता चला कि कोई आप अपने फ्रेंड के यहाँ गए, सोचा अपना बहुत ज़्यादा स्वागत वत करेगा और उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, ढंग से बात भी नहीं किया, इस तरह का। टू अबैंडन समवन, किसी को त्याग देना। टू अब्यूज समवन, किसी को गाली देना। टू कर समवन, श्राप देना। टू गिव द कोल्ड शोल्डर जाएगा टू बी अनफ्रेंडली, आंसर हो जाएगा इसका ये। चीक बाय जाउल, चीक होता है गाल, जाउल होता है जबड़ा। गाल जबड़ा कहाँ होते हैं, पास पास होते हैं। फाइटिंग झगड़ना, स्क्रीमिंग चीखना चिल्लाना, क्लोज टुगेदर पास पास, रबिंग चीक्स गाल रगड़ना। तो चीक बाय जाउल हो जाएगा क्लोज टुगेदर पास पास, आंसर हो जाएगा इसका सी। टू गेट अवे होता है बच निकलना। टू स्केप होता है बच निकलना। टू फेस सामना करना, पास से होकर गुजरना, रीच पहुंचना। टू गेट अवे होता है टू स्केप, बच निकलना, आंसर हो जाएगा इसका ए। सचिन हैज़ हैड ए लॉन्ग इनिंग्स इन द क्रिकेट, सचिन का क्रिकेट में लंबा अच्छा खासा अनुभव रहा है, अच्छा अनुभव होना। लॉन्ग इनिंग्स होता है अच्छा अनुभव होना। लॉन्ग स्पेल लंबा जादू, स्पेल होता है जादू।
जादू टोना, फाइन एक्सपीरियंस, अच्छा अनुभव, विक्टोरियस विन, शानदार जीत, अल्टीमेट सक्सेस, अंतिम सफलता या पूर्ण सफलता। तो लॉन्ग इनिंग्स होता है, फाइन एक्सपीरियंस, अच्छा अनुभव आंसर हो जाएगा इसका भी। इफ समवन ड्रॉप से बॉम्ब सेल दे, अगर कोई बॉम्ब सेल गिरा दे तो वो क्या करता है, ड्रॉप ए बॉम्ब सेल होता है कोई बड़ी बुरी खबर सुनाना, मेक ए सीरियस मिस्टेक, गंभीर गलती करना, क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम, बड़ी समस्या उत्पन्न करना, हैव सम बिग बैड न्यूज़, कोई बड़ी बुरी खबर सुनाना, और अटैकिंग देयर एनिमी, अपने शत्रु पर हमला करना। ड्रॉप ए बॉम्ब सेल हो जाएगा हैव सम बिग बैड न्यूज़, कोई बड़ी बुरी खबर सुनाना आंसर हो जाएगा इसका सी। ही वॉज इन डोल्डम्स आफ्टर द क्वारल विथ हिज ब्रदर, वह अपने भाई के साथ झगड़े के बाद बहुत ही ज़्यादा उदास था। इन डोल्ड्रम्स होता है उदास। देखिए डोल्ड्रम्स वो जगह होती है समंदर में जहाँ पे हवाएं बिल्कुल नहीं चलती। तो पुराने ज़माने में कोई जहाज, पानी का जहाज या बड़ी नाव अगर उस जगह जाके फंस जाए जो कि उस समय जो हवाओं जो जहाज होते थे वो ये जो नाव होते थे उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हवा पर निर्भर करती थी। तो ऐसी जब फंस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इधर उधर कहीं घूम ही नहीं पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे, मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो क्या उस जहाज़ के लोग कैसे हो जाएंगे, उदास नहीं हो जाएंगे? तो इन डोल्ड्रम्स होता है उदास। जुबिलेंट, आनंदित, इन लो स्पिरिट्स, उदास, एंग्री, क्रोधित, लेफ्ट द हाउस, घर छोड़ के चला गया। इन डोल्ड्रम्स हो जाएगा उदास, इन लो स्पिरिट्स, आंसर हो जाएगा बी इसका। हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन, उसकी लोकप्रियता अब घट रही है। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म स्टार हो जाए, 10 20 30 साल पहले बहुत पॉपुलर था लेकिन अब पॉपुलैरिटी उसकी कम होती जा रही है। ऑन द हाइट्स, ऊंचाई पर, स्टैंड स्टिल, एकदम स्थिर, वर्ज ऑफ इरप्शन, फूटने के कगार पर, इरप्शन होता है फूटना, जैसे ज्वालामुखी वगैरह फूटते हैं। ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, धीरे धीरे कम होना, ऑन द वेन हो जाएगा ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, धीरे धीरे कम होना है, आंसर हो जाएगा इसका डी। My friend is quite cold, hard hearted, मेरा मित्र जो है क्रूर व्यक्ति है। हार्ड हार्टेड था क्रूर, इमोशनल, भावुक, क्रूएल, क्रूर, रूड, रूखा, सेंटिमेंटल, भावुक, हार्ड हार्टेड हो जाएगा क्रूएल, क्रूर, आंसर हो जाएगा बी। ही इमीडिएटली सेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द डिपार्टमेंट, वह विभाग को व्यवस्थित करने में लग गया, उसने शुरू कर दिया, उसने शुरुआत कर दी तुरंत, विभाग को व्यवस्थित करने की शुरुआत तुरंत कर दी जैसे ही आया। सेट अबाउट होता है शुरू करना, लुक अराउंड, आसपास देखना, टुक चार्ज, कोई पद अपने हाथ में लेना, पद ग्रहण करना, स्टार्टेड शुरू करना, टुक स्टेप्स टुवर्ड्स, उसकी तरफ कदम बढ़ाना, सेट अबाउट होता है शुरू करना, तो स्टार्टेड आंसर हो जाएगा इसका सी। दोज इंटेंडेड टू टेक अप द मिलिट्री सर्विस मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू गो थ्रू द हूप्स, वे जो मिलिट्री सर्विस मतलब सेना में जाना चाहते हैं उनको कड़े परीक्षण से होकर गुजरने के लिए तैयार रहना चाहिए। हूप होता है बड़ा सा छल्ला, देखेंगे जैसे सर्कस वगैरह में बड़े बड़े छल्ले होते हैं जिसमें आग लगा दी जाती है और जानवरों को उससे कुदाया जाता है, तो वो होता है। तो गो थ्रू द हूप्स होता है कड़े परीक्षणों से होकर गुजरना। बी मेड टू पे हैवी अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा धन अदा करना। बी पनिश्ड सीवियरली, कड़ी सजा देना। बी मेड टू अंडर गो ग्रुएलिंग टेस्ट, कड़े परीक्षणों से होकर गुजरना। बी मेड टू साइन बॉन्ड्स, बॉन्ड पे साइन करवाना। तो गो थ्रू द हूप्स हो जाएगा बी मेड टू अंडर गो ग्रुएलिंग टेस्ट, कड़े परीक्षण से होकर गुजरना, आंसर हो जाएगा सी। He is playing ducks and drakes with the wealth of his father. वह अपने पिता के धन को मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च कर रहा है। Playing ducks and drakes होता है मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करना। Spending diligently, परिश्रम पूर्वक खर्च करना, lavishly को बहुत खर्चीली चीज़ों पे धन व्यय करना, बहुत खर्चीली चीज़ें, महंगी चीज़ें खरीदना। Spending foolishly, मूर्खतापूर्ण तरीके से धन खर्च करना। Spending carefully मतलब होता है सावधानी से खर्च करना। तो playing ducks and drakes जाएगा spending foolishly, बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से धन खर्च करना, आंसर हो जाएगा इसका सी। द प्रिंसिपल कॉल लेट कमर्स टू हर रूम एंड डिलीवर्ड अ कर्टन लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लेट कमर्स, प्रिंसिपल ने जो लेट कमर्स थे उनको कमरे में बुलाया और उनको देर से आने की जो नुकसान होते हैं उनके बारे में बताया, लेक्चर पिलाया। कर्टन होता है पर्दा, तो किसी को आप कोई बाहर बैठा उसको पर्दे के पीछे बुला के इधर जा के सुनो, तो उसको कुछ चेतावनी भरे लहजे में कुछ बताना या सावधान रहने की सलाह देना, कुछ चेतावनी भरी बात कहना, तो अलग से बुला के कहना, कर्टन लेक्चर वहाँ से आया है। ड्रामेटिक लेक्चर, नाटकीय लेक्चर, ब्रीफ लेक्चर, संक्षिप्त में कहना। कॉशनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट, संक्षेप में एकांत में अलग से बुला के कुछ चेतावनी वाली बात कहना। टॉक बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे बातें करना, तो कर्टेन लेक्चर का हो जाएगा यहाँ पे कॉशनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका सी। ईडीएम सिर्फ में शाब्दिक अर्थ नहीं देखा जाता, उसका भाव पकड़ा जाता है, तो ये बात है। द प्रोजेक्ट टू क्लीन द रिवर गंगा एंडेड इन स्मोक, तो इंडेड इन स्मोक हो जाएगा एकदम धुएं में उड़ जाना, गायब हो जाना, ऐसा कोई रिजल्ट ना निकले। द प्रोजेक्ट टू क्लीन द रिवर गंगा
गंगा नदी को साफ करने की जो योजना थी वह धुएं मिल गई, मतलब कोई परिणाम नहीं निकला। यील्डेड नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, कोई परिणाम ना निकला। यील्डेड ओनली कन्फ्यूजन, केवल भ्रम उत्पन्न हुआ। यील्डेड नो प्रॉफिट, कोई लाभ नहीं हुआ। यील्डेड नो प्लान, कोई योजना नहीं बनी। तो इंडियन स्मोक हो जाएगा, यील्डेड नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, कोई भी उसका व्यवहारिक परिणाम ना निकला। आंसर हो जाएगा इसका ये। विद ग्रेट डिफिकल्टी ही वॉज एबल टू कार्ड ए नीश फॉर हिमसेल्फ, बड़ी कठिनाई से वह अपने बारे में जगह बनाने में कामयाब हो सका। टू कार्ड आउट ए नीश होता है अपने लिए जगह बनाना, उसी में एडजस्ट होकर के अपने लिए जगह बना लेना। बिकम ए स्कल्प्टर, मूर्तिकार बनने जाना। डिड द बेस्ट ही कुड डू, जो कर सकता था उसने सबसे अच्छा किया। डिस्ट्रॉयड हिज करियर, अपना करियर बर्बाद कर लिया। डेवलप्ड ए स्पेसिफिक पोजिशन फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए एक विशेष, अपने लिए एक विशेष जगह बना ली। तो टू कार्ड आउट ए नीश हो जाएगा डेवलप्ड स्पेसिफिक पोजिशन फॉर हिमसेल्फ, आंसर हो जाएगा इसका डी। यू विल सक्सीड इफ यू फॉलो माई एडवाइस टू द लेटर, तुम सफल हो जाओगे यदि तुम मेरे विचारों, मेरे सलाह को अक्षरशः, एकदम जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरह से पूरा का पूरा पालन करोगे। टू द लेटर मतलब अपनी तरफ से कुछ चेंज ना करना, एकदम जैसा है वैसा। टू द लेटर, एक एक लेटर की तरह। अबाउट राइटिंग लेटर्स, पत्र लिखने के बारे में। रिटेन द लेटर, पत्र में लिखा हुआ। इन एवरी डिटेल, बहुत विस्तार में, डिटेल में, एकदम अक्षरशः। वेरी थॉटफुल्ली, बहुत ही विचार करके। टू द लेटर हो जाएगा इन एवरी डिटेल, आंसर हो जाएगा सी। अ क्रिटिक्स वर्क इज टू रीड बिटवीन द लाइंस, एक जो क्रिटिक होता है, जो आलोचक होता है, उसका काम क्या होता है, छिपे हुए अर्थ को समझना। कोई जो बात, जो एक जनरल पाठक, कोई जो पढ़ रहा है, वो उतना ही नहीं, उसके अलावा उसके पीछे के भाव को या उसके बहुत जो उसकी गहराई को पकड़ना। तो रीड बिटवीन द लाइंस में छिपे हुए अर्थ को समझना। टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग, अर्थ समझना। टू अप्रिसिएट द इनर ब्यूटी, आंतरिक सौंदर्य को समझना, उसकी प्रशंसा करना। टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, छिपे हुए अर्थ को समझना। टू रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ना। तो रीड बिटवीन द लाइंस हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, छिपे हुए अर्थ को समझना, आंसर हो जाएगा सी। वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न, आई पुट माई फुट डाउन, जहाँ अनुशासन की बात आ जाती है तो मैं एकदम कड़ा रुख अपना लेता हूँ। पुट माई फुट डाउन, कड़ा रुख अपना लेना, मतलब कि मैं उसमें कुछ भी समझौता नहीं करता। टेक ए फर्म स्टैंड, कड़ा रुख अपना लेना। टेक ए लाइट स्टैंड, हल्का रुख अपनाना। टेक ए हैवी स्टैंड, भारी रुख अपनाना। टेक ए शेकी स्टैंड, शेकी होता है हिलता डुलता हुआ, डावा डोल। तो आई पुट माई फुट डाउन हो जाएगा टेक ए फर्म स्टैंड, दृढ़ रुख अपना लेना, कड़ा रुख अपना लेना, आंसर हो जाएगा इसका ये। इनोसेंस एंड स्टूड हिज ग्राउंड इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड एक्यूजेशंस, जो कन्विक्ट था, मतलब जो अपराधी था, उसने अपने आप को निर्दोष कहा और अपनी बात पर डटा रहा, बावजूद इसके कि उस पर बार बार आरोप लगाए गए। तो स्टूड हिज ग्राउंड होता है अपनी जमीन न छोड़ना, मतलब अपनी जमीन पर खड़े रहना, मतलब कि अपनी बात पर डटे रहना। नेल्ट, घुटने के बल झुकना। सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। केप्ट स्टैंडिंग, खड़े रहना। रिफ्यूज टू येल्ड, समर्पण करने से इंकार कर देना, मतलब अपनी बात पे डटे रहना। स्टूड हिज ग्राउंड हो जाएगा रिफ्यूज टू येल्ड, आंसर हो जाएगा इसका डी। फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, किसी भी ग्रुप वर्क को सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि हर कोई सेम पेज पे, मतलब सब लोग समान तरीके सोचते हों। प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, मीटिंग में उपस्थित रहना। रजिस्टर्ड फॉर द वर्क, काम के लिए अपना रजिस्टर्ड कर लेना। विलिंग टू पे द सेम फीस, सेम फीस देने के लिए तैयार रहना। थिंग्स इन ए सिमिलर वे, समान तरीके सोचना। ऑन द सेम वे पेज हो जाएगा थिंग्स इन ए सिमिलर वे, समान तरीके सोचना, आंसर हो जाएगा इसका डी। आवर प्लान टू गो टू लंदन इज इन एयर, लंदन जाने की हमारी योजना क्या है, विचार में है, ऐसा विचार चल रहा है। इज इन एयर मतलब विचार में होना। अनडिसाइडेड, अनिर्णित, सर्टेन, निश्चित। अंडर कंसिडरेशन, विचार में होना। फॉर अप्रूवल, स्वीकृति के लिए। इज इन द एयर हो जाएगा विचार में होना, अंडर कंसिडरेशन, आंसर हो जाएगा सी। माई एफर्ट्स एट पेस्ट कंट्रोल वेंट इन वेन, आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। पेस्ट कंट्रोल होता है कीड़ों को नियंत्रित करना, कीड़ों को मारना या नियंत्रित करना। तो कीड़ों को नियंत्रित करने का मेरा प्रयास सब बेकार हो गया, मुझे फिर से नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा, नए सिरे से योजना बनानी पड़ेगी। तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड मतलब वह बोर्ड जहाँ पे आपने ड्रा किया था अपनी योजना को। तो अब फिर से आपको वहीं जाना पड़ेगा, नए सिरे से योजना बनाना, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड होता है। प्लान इट ऑल ओवर अगेन, नए सिरे से योजना बनाना। टेक प्रोफेशनल हेल्प, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना। स्पेंड सम टाइम रिसर्चिंग अब्रॉड, अब्रॉड होता है विदेश, विदेश में रिसर्च करने में टाइम बिताना। वर्क एट नाइट, रात में काम करना। तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड हो जाएगा प्लान इट ऑल ओवर अगेन, आंसर हो जाएगा ए, नए सिरे से योजना बनाना। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेज इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, भारतीय जो हैं वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभावान सफल हैं। गोइंग प्लेसेज होता है झंडे गाड़ना, मतलब तो गोइंग प्लेसेज जाएगा झंडे गाड़ना या प्रतिभावान और सफल होना।
गोइंग अब्रॉड, अब्रॉड अभी बताया था आपको, विदेश, विदेश जाना। गोइंग टू स्पेसेस, स्पेसेस अंतरिक्ष में जाना। टैलेंटेड सक्सेसफुल, प्रतिभावान सफल होना। फ्रेंडली एंड एमिकेबल, मिलनसार होना, मित्रतापूर्ण होना। तो गोइंग प्लेसेस जाएगा टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, आंसर हो जाएगा सी। सी ए पर्सन हु पुल्स नो पंचेज, वह ऐसी व्यक्ति है जो कुछ भी अपने पास, मतलब कुछ कुछ मन में नहीं रखती है, तुरंत बोल देती है, एकदम साफ बोलती है, स्पष्ट बोलती है। पुल नो पंच होता है एकदम स्पष्ट बोलना। स्पीक पोलाइटली, मतलब विनम्रतापूर्वक तरीके से बात करना। स्पीक्स फ्रेंडली, एकदम स्पष्ट बोलना, भले लगे चाहे, भला लगे चाहे बुरा। स्पीक्स रूडली, रूखे तरीके से बात करना। स्पीक स्वीटली, मीठे तरीके से बात करना। तो पुल नो पंच होता है स्पीक्स फ्रेंकली, आंसर हो जाएगा इसका बी, स्पष्ट बोलना। आगे देखिए, सी डिज समथिंग आउट ऑफ करेक्टर टुडे, सी गेव अ बेगर सम मनी, आज उसने अपने स्वभाव से अलग हटे कुछ काम किया। जो करेक्टर था उससे आउट, मतलब से अलग हटे कुछ काम किया। उसने भिखारी को कुछ पैसे दिए, ऐसा लगता है कि वो भिखारी को भी पैसे नहीं देती थी, तो आज उसने दिया। तो ही डिड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अनुसार काम नहीं किया। डिड नॉट बिहेव इन वंस यूजुअल नेचर, अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार नहीं किया। एक्टेड बियॉन्ड व्हाट वाज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड था उससे अलग हट के काम किया। बिहेव लाइक ए हिपोक्रेट, किसी पाखंडी की तरह व्यवहार किया। तो आउट ऑफ करेक्टर होता है डिड नॉट बिहेव इन वंस यूजुअल नेचर, अपने स्वभाव से अलग हट के काम करना, आंसर हो जाएगा बी। पीपल से दैट द बैंकर इज ऑन हिज लास्ट लेग्स, लोग कहते हैं कि जो बैंकर है, बैंकर मतलब जो बैंक चलाता हो, बैंकर अपने बर्बादी के कगार पर है। ऑन हिज लास्ट लेग्स मतलब बर्बादी के कगार पर, ऑन द वर्ज ऑफ रूइन बर्बादी के कगार पर, ऑन हिज डेथ बेड मौत के कगार पर, मृत्यु की सया पर पड़ा हुआ। एट द एंड ऑफ हिज वेट्स बुद्धि काम न करना, एट द एंड ऑफ हिज जर्नी यात्रा समाप्ति पर, तो ऑन हिज लास्ट लेग हो जाएगा ऑन द वर्ज ऑफ रूइन, आंसर हो जाएगा इसका ये बर्बादी के कगार पर। यू कैन नॉट रिलाई अपॉन ए ग्रीन हॉर्न लाइक जेम्स, तुम जेम्स जैसे नौसिखिए पर विश्वास नहीं कर सकते हो। देखिए, ग्रीन मतलब हरा, हॉर्न मतलब सींग, ग्रीन मतलब हरा, यहाँ नएपन का प्रतीक है। तो नया नया जैसा सींग निकला होगा कैसा होगा, वो अनुभवहीन होगा। एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति, नोटोरियस फ्रॉड, बदनाम या कुख्यात धोखेबाज, बोस्टफुल मतलब डींग हाँकने वाला, केयरलेस वर्कर लापरवाह व्यक्ति, ग्रीन हॉर्न हो जाएगा नौसिखिया व्यक्ति, एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, आंसर हो जाएगा इसका ई। व्हेन दे कॉल्ड आउट हिज नेम एज द विनर ऑफ द ग्रैंड प्राइज, हिज जॉ ड्रॉप्ड, जब उन्होंने ग्रैंड प्राइज जो बड़ा प्राइज था उसके विनर का नाम बताया कि नाम की घोषणा की, तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। जॉ ड्रॉप्ड होता है आश्चर्यचकित हो जाना। तो ही फेंटेड, मूर्छित हो गया। ही स्क्रीम्ड इन जॉय, वह खुशी से चिल्ला उठा। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। ही वॉज एस्टोनिश्ड, वह आश्चर्यचकित रह गया। तो जॉ ड्रॉप्ड होता है ही वॉज एस्टोनिश्ड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, आश्चर्यचकित हो जाना। ए होल एंड कॉर्नर पॉलिसी इज नेवर वेलकम्ड इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, किसी भी प्रजातांत्रिक समाज में होल एंड गुप्त नीति का स्वागत नहीं किया जाता है। होल एंड कॉर्नर होता है गुप्त, तो करप्टेड हो जाएगा भ्रष्ट, सीक्रेट हो जाएगा गुप्त, फ्रेल हो जाएगा कमजोर, और डिग्रेडेड होता है पतन होना। तो होल एंड कॉर्नर होता है सीक्रेट, आंसर हो जाएगा इसका बी, गुप्त। इन सेव्ड बाई अल्कोहल एब्यूज एंड गैम्बलिंग, ही वॉज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अल्कोहल एब्यूज मतलब एक तो उसको शराब की भी आदत थी और जुए की भी आदत थी, मतलब दो चीज़ें थी उसके साथ, इन दोनों आदतों का वो गुलाम था। ही वॉज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, वह दो खतरों के बीच में फंस गया था। देखिए, डेविल होता है शैतान या दानव, और डीप सी गहरा समुद्र, एक तरफ शैतान या दानव हो, दूसरी तरफ गहरा समुद्र, मतलब कि दो खतरों के बीच में आप, इधर कुआं उधर खाई, उस टाइप का मामला हो। तो कॉट बिटवीन टू एविस, दो बुराइयों के बीच में, दो खतरों के बीच में। कॉट बाई मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स मतलब कोई विशाल का जानवर हो तो उसके द्वारा पकड़ लिया जाना। ग्रिप्ट बाई टेरिबल हैबिट्स, बुरी आदतों की गिरफ्त में। ग्रिप्ट विथ टेरर, भय ने जकड़ लिया हो, उस टाइप का। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी हो जाएगा कॉट बिटवीन टू एविस, दो बुराइयों के बीच में फंस जाना, दो खतरों के बीच में पड़ जाना, आंसर हो जाएगा इसका ए। When he tells stories about himself, he is inclined to draw the long bow. जब भी वह अपने बारे में कहानी बताता है तो वह हमेशा बढ़ा चढ़ा के बोलता है। देखिए, बो होता है धनुष, तो धनुष की जो प्रत्यंचा होती है आप खींचेंगे, तो खींच के आपने उसे लंबा कर दिया, यानी जितना था उसको बढ़ा चढ़ा के खींच के और बढ़ा दिया। तो draw the long bow होता है बढ़ा चढ़ा के कहना, understate कम करके कहना, get emotional भावुक हो जाना, exaggerate बढ़ा चढ़ा कर कहना, get excited उत्तेजित होना, उत्साहित हो जाना। तो draw the long bow हो जाएगा exaggerate बढ़ा चढ़ा कर कहना, आंसर हो जाएगा सी।
ही टेम्पररली इन चार्ज ऑफ द कंपनी एंड इज ट्राइंग टू फेदर हिज नेस्ट। वह अभी कंपनी के अभी के लिए अस्थायी तौर पर उसको इंचार्ज बनाया गया है और वह खूब जम के अपना स्वार्थ साध रहा है। फेदर हिज नेस्ट होता है अपना स्वार्थ साधना। ब्रिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द कंपनी, कंपनी में अनुशासन लाना, व्यवस्था लाना। रेज द इमेज ऑफ द कंपनी, कंपनी की इमेज को बढ़ाना। एक्ट फॉर हिज ओन फ्यूचर बेनिफिट, अपने भविष्य के लाभ के लिए काम करना या अपने स्वार्थ के लिए काम करना। रुइन द कंपनी, कंपनी को बर्बाद कर देना। तो फीदर हिज नेस्ट हो जाएगा क्या, अपना स्वार्थ साधना या अपने भविष्य के अपने अपने लाभ के लिए काम करना। एक्ट फॉर हिज ओन फ्यूचर बेनिफिट्स, आंसर हो जाएगा इसका सी। We had to strictly mind our P's and Q's when guest came home to visit. जब भी हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो हमें बहुत ही उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना होता था, बहुत ही सलीके से व्यवहार करना होता था। तो mind our P's and Q's होता है बहुत शिष्टाचार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये देखना कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो बी वेल मैनर्ड, बहुत अच्छा शिष्टाचार का प्रदर्शन करना। बी पंक्चुअल, नियम से आना, समय पर आना। बी कंपोज्ड, शांत रहना। बी ओरिजिनल, मौलिक रहना। तो माइंड आवर पीज एंड क्यूज जाएगा बी वेल मैनर्ड, बहुत ही शिष्टाचारी होना, आंसर हो जाएगा इसका ए। दे नॉक्ड हिम टू द ग्राउंड एंड बिगैन लेइंग इनटू हिम विथ हिज फीस्ट, उन्होंने उसे मार का जमीन बिगड़ा दिया और उस पर लातों से प्रहार करना शुरू कर दिया। लेइंग इनटू होता है प्रहार करना, मारना, पीटना। तो साउट हो जाएगा चिल्लाना, अटैक, हमला करना, आक्रमण करना। एम्पावरिंग जो है शक्ति प्रदान करना। टिकलिंग, गुदगुदाना। तो यहाँ पे लेइंग इनटू हो जाएगा अटैकिंग, आक्रमण करना, मारना या पीटना, आंसर हो जाएगा सभी। आई नो माई न्यू रोलेक्स इज द रियल मोकाय बिकॉज, मैं जानता हूँ कि मेरी जो नई रोलेक्स, आप जानते हैं रोलेक्स जो होता है वो क्या घड़ी होती है, बहुत महंगी होती है। तो भाई किसी ने घड़ी थी, आपने कहा कि अरे यार ये तो नकली लग रही है, रोलेक्स कह रहे हो, रोलेक्स है, हाँ ये तो नकली लग रही है। क्योंकि इस तरह की जो बहुत ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उनके बहुत नकल भी बनती है। तो उसने कहा कि अरे नहीं ये असली इसलिए है, क्यों है, तो आगे देखते हैं। तो रियल मोकाय, मोकाय एक प्रकार की शराब होती है जो बहुत महंगी होती है और बहुत स्टैंडर्ड की होती है। तो वो मिलना मुश्किल है। तो असली है कि नकली है ये पता करने की बात आ जाती है। तो वहाँ से आया है। तो रियल मौका है जब भी आप कहें इसका मतलब एकदम असली चीज़। तो मैं जानता हूँ कि मेरी जो नई रोलेक्स घड़ी है वो एकदम असली है। कैसे, क्योंकि आई बॉट इट फ्रॉम द रोलेक्स स्टोर इन द पेरिस, मैंने इसको पेरिस में जो रोलेक्स का स्टोर है उससे खरीदा है। आई बॉट इट फ्रॉम ए मैन इन द पब, मैंने शराब, पब मतलब जहाँ शराब बिकती है, तो वो दुकान, वो जगह जहाँ शराब बिकती है वहाँ एक आदमी से खरीदा है। आई बॉट इट ऑनलाइन, मैंने खरीदा है एक बहुत ही सस्ता rolex.com से। आई बॉट इन फ्रॉम द क्रिएटर, मैंने वो साथ में क्रिएटर मौका है जिसने मौका बनाया था उसी से खरीदा है। तो यहाँ पे द रियल मौका मतलब असली है। कैसे असली है, क्योंकि मैंने उसको पेरिस में जो रोलेक्स का स्टोर है उस स्टोर से खरीदा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, आई बॉट इट फ्रॉम द रोलेक्स स्टोर इन पेरिस। द रियल मौका होता है असली चीज़। All the newspapers wrote about the scandal, but public interest soon fizzled out. जो सारे न्यूज़पेपर थे उन्हें, स्कैंडल मतलब क्या होता है, कोई बदनामी वाली कोई बात होती है, जो बदनामी वाली बात, तो उसके बारे में न्यूज़पेपर ने बड़े लिखा बहुत ज़्यादा। कभी कभी न्यूज़पेपर वाले बड़ा इंटरेस्ट लेके चीज़ों को लिख देते हैं। तो लिखा तो, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें नहीं था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिजल आउट होता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। इंक्रीज, बढ़ना, प्रोलॉन्ग, लंबा करना। डिसअपियर, गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना। एग्जेजरेट, बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो फिजल आउट हो जाएगा, डिसअपियर, गायब हो जाना, आंसर हो जाएगा सी। इफ समवन सी थ्रू द रोज कलर्ड ग्लासेस ही डजंट सी, देखिए रोज कलर्ड ग्लासेस, रोज अगर कोई गुलाबी चश्मे से देखे दुनिया कैसी दिखेगी, दुनिया बड़ी गुलाबी गुलाबी दिखेगी, अच्छी दिखेगी, ये सेंस यहाँ पर है। तो अगर कोई रोज कलर्ड ग्लासेस से देखेगा, मतलब अगर ऐसा उसकी आंखों पे चश्मा ऐसा चढ़ा दिया कि उसको अच्छी चीज़ें दिखें, तो क्या नहीं दिखेगा, द अनप्लीजेंट साइड ऑफ थिंग्स, उसको बुरी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी या जो अप्रिय चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। द फनी साइड्स ऑफ द फनी साइड ऑफ थिंग्स, मजाकिया चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, जीवन का जो ब्राइट चमकीला पक्ष है वो नहीं दिखाई देगा। द वेरीगेटेड साइड ऑफ लाइफ, जीवन का जो विभिन्न पहलू है वो नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ होना चाहिए आंसर सी, अगर कोई रोज़ कलर्ड ग्लासेस पहनेगा तो उसको अप्रिय चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, द अनप्लीजेंट साइड ऑफ थिंग्स, आंसर हो जाएगा इसका ए। द रिकरेंट हैबिट ऑफ ब्रेकिंग प्रोमिसेस प्रूव्ड हिम टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, वह ब्रेकिंग प्रोमिसेस मतलब वादा तोड़ना। रिकरेंट हैबिट मतलब ऐसी आदत जो छूटती नहीं है, बार बार होती रहती है, पुरानी आदत है। तो वादा तोड़ने की जो पुरानी आदत है उससे उसकी एक तुच्छ व्यक्ति की इमेज बन गई है। अरे यार वो फालतू आदमी है, उसकी बात का कोई महत्व ही नहीं है, फालतू आदमी। तो सीक्रेटिव, गुप्त, ड्रेडफुल, डरावना, विदाउट सब्सटेंस, तुच्छ, फालतू,
बेकार। हैबिचुअल ऑफेंडर जो जिसकी गलती ही जिसकी आदत बन गई हो गलती करने की, अपराध करने की, वो तो मैन ऑफ स्टार हो जाएगा विदाउट सब्सटेंस, आंसर हो जाएगा सी। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर इल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन वर एट 6 and 7। वे व्यक्ति जिनकी परीक्षा की तैयारी अच्छी नहीं थी तो वे क्या थे, भ्रमित थे। एट 6 and 7 से था भ्रमित होना, अस्त व्यस्त होना, इन डिस्परेशन हताशा में, ग्रम्बलिंग इंडलेसली भनभनाते रहना, इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भ्रम की स्थिति में, हेल्पलेस असहाय। तो एट 6 and 7 से जाएगा इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भ्रम की स्थिति में, आंसर हो जाएगा सी। डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल इट्स लाइक ए हॉर्स। डॉक्टर के सलाह के बावजूद, डॉक्टर ने कहा उसको कि भाई थोड़ा ढंग से खाइए, ज़्यादा मत खाइए, तो ही स्टिल इट्स लाइक ए हॉर्स, अभी भी घोड़े की तरह खाता है, मतलब बहुत ज़्यादा खाता है। ईट लाइक ए हॉर्स मतलब बहुत ज़्यादा खाना। डजन लाइक टू ईट, खाना पसंद नहीं करता है। सेलोज फीड, अपना खाना निकल जाता है। ईट स्लोली, धीरे धीरे खाता है। ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खाता है। तो ईट्स लाइक ए हॉर्स जाएगा बहुत ज़्यादा खाना, ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, आंसर जैसा डी। हीज वर्क सीम्स टू बी अ पनेलपीज वेब, उसका काम तो लगता है कि एक पनेलपीज वेब हो गया है। इसके पीछे पनेलपीज वेब क्या होता है, इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी, जरा पहले कहानी देख लेते हैं। पनेलपी महाकवि होमर की रचना ओडिसी के मुख्य पात्र ओडिसियस जो इथका का राजा था उसकी पत्नी थी। देखिए जैसे हमारे यहाँ महाभारत है, रामायण है, ये महाकाव्य हैं, बहुत पहले लिखे गए थे, हजारों साल पहले लिखे गए थे, उस समय से चले ही आ रहे हैं। तो उसी तरह से वेस्ट में ओडिसी नाम का एक बहुत बड़ा एपिक है, महाकाव्य है, इसको होमर ने लिखा था, और ये भी लिखा था लगभग आज से 2500-3000 साल पहले। तो उसका जो मेन करेक्टर है, जो मुख्य पात्र है, ओडिसियस नाम का राजा है, जो इथका एक जगह है राज्य, उसका वो राजा था। तो उसकी पत्नी थी पनेलपी। पनेलपी ने ट्रोजन के युद्ध में अपने पति का 20 वर्षों तक इंतजार किया था। देखिए ट्रोजन का युद्ध हुआ था, मतलब ट्रॉय नाम का एक नगर था, बड़ी लंबी कहानी है, आप सुन जैसे ही, ट्रॉय नाम का एक नगर था और उस नगर को का घेरा डाला गया था। तो घेरा डाला गया था और बड़े कई वर्षों तक वो घेरा चला और बड़ा लंबा युद्ध हुआ था, जैसे हमारे महाभारत का युद्ध हुआ था उस टाइप का, उसमें बहुत से लोग मारे गए थे और कई वर्षों तक वो चला था। तो उसने पनेलपी ने उस युद्ध में उसका पति भी गया था, पनेलपी का पति भी गया था, तो उसने कई वर्षों तक उसका इंतजार किया और बहुत सुंदर थे, उसके पति की अनुपस्थिति में कई व्यक्ति उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें टालती रही। तो कैसे टालती रही, इसके लिए वह धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त एक जालीदार कपड़ा बनने का बहाना करती, वह बहाना बनाती थी कि भाई हमें एक बहुत पवित्र कपड़ा मैं बना रही हूँ, बहुत पवित्र कपड़ा, चुनरी जैसा होती है, बहुत पवित्र कपड़ा बना रही हूँ, और जब ये कपड़ा बन जाएगा तो फिर मैं विवाह कर लूँगी। विवाह के इच्छुक व्यक्तियों से वो कहती थी कपड़े को बुनने पर वह उससे विवाह करेगी, लेकिन रात्रि होने पर वह उस कपड़े की सिलाई फिर से खोल देती थी। इस प्रकार वह अपने पति के आने तक उन्हें टालती रही। यहीं से प्रारंभ हुआ पनेलपीज वेब का प्रयोग, जिसका अर्थ होता है कभी खत्म ना होने वाला कार्य। पनेलपीज वेब, वेब मतलब होता है जाला, जैसे जालीदार कपड़ा, तो उस टाइप का। तो हिज वर्क सीम्स टू बी अ पनेलपीज वेब, उसका काम लगता है कि पनेलपीज वेब हो गया, खत्म। जैसे कभी कभी होता है खाना बन रहा है या और भी कोई काम हो रहा है, यार काम कब हो, खत्म ही नहीं हो रहा है काम, बस टाइम ही लगता चला जा रहा है। कभी कभी हम लोग झुंझला के भी कह देते हैं या किसी का बात पे कह देते हैं, उस टाइप का होता है। तो पनेलपीज होता है कभी खत्म न होने वाला कार्य। डिक्लाइनिंग मतलब पतन होना, इन हिज बेस्ट फॉर्म सबसे अच्छे फॉर्म में, इंडलेस जिसका अंत ही न हो, डिफिकल्ट बहुत कठिन, तो पनेलपीज वेब हो जाएगा इंडलेस, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए, द टू फ्रेंड्स आर नाउ ए डैगर्स डॉन ओवर ए पेटी इशू। पेटी इशू मतलब तुच्छ मामला। डैगर होता है खंजर, तलवार जैसा, खंजर कृपाण जिसे कहते हैं, डैगर होता है लंबा सा चाकू कह सकते हैं आप। डॉन मतलब तानना, तो अगर दो लोग चाकू तान के या तलवार तान के आमने सामने खड़े हो तो जाहिर सी बात है दोस्त होंगे नहीं, दुश्मन ही होंगे। तो दोनों मित्रों में तुच्छ बात पर वो शत्रुता हो गई, तो एट डैगर्स डॉन होता है शत्रुता होना। एनिमी शत्रु, कॉम्पिटिटर प्रतियोगी, एंग्री क्रोधित, फ्रस्ट्रेटेड, दुखी, उदास, निराश। तो एट डैगर्स डॉन हो जाएगा एनिमी शत्रु। गुड्स विल बी डिलीवर्ड इफ यू पे ऑन द नेल, सामान आपको पहुंचा दिया जाएगा अगर आप तुरंत पैसा देंगे। पे ऑन द नेल हो तो तुरंत पैसा देना। पे प्रॉम्प्टली इन कैश, कैश में पैसा देना। पे प्रॉम्प्टली तुरंत पैसा देना। पे विद इन द गिवन टाइम, दिए गए समय पर पैसा देना। पे द फुल अमाउंट, पूरा पैसा देना। तो पे ऑन द नेल हो जाएगा पे प्रॉम्प्टली, तुरंत पैसा देना, आंसर हो जाएगा बी।
इफ पीपल डू नॉट मेंड देयर वेज दे आर श्योर टू गो टू द डॉग्स, अगर लोगों ने अपने तौर तरीके नहीं सुधारे तो बर्बाद हो जाएंगे। आजकल आप देख रहे हैं कि पर्यावरण का कितना नुकसान किया गया है, तो उस पर कितनी तबाही बर्बादी हो रही है, तो इस टाइप का कुछ मामला लग रहा है। टू बी तो टू गो टू द डॉग्स हो जाता है बर्बाद हो जाता। टू बी यूनाइटेड एक बने रहना, टू बी रफ रुखा होना, टू फाइट झगड़ना, टू बी रुइंड बर्बाद हो जाना। टू गो टू द डॉग्स जाएगा, टू बी रुइंड बर्बाद हो जाना, आंसर हो जाएगा इसका डी। क्लोज से होता है क्लोज से होता है बाल बाल बचना, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर किस खतरे से बाल बाल बचना। स्टबल, स्टबल क्या होता है, स्टबल देखिए ठूंठ होता है, जैसे गेहूं अगर काट लेते हैं तो काटने के बाद जो पार्ट जमीन में बच जाता है वो स्टबल कहलाता है। वेरी शॉर्ट है या बहुत छोटे बाल, हेयरलेस स्किन बिना बालों की त्वचा, तो एक क्लोज सेव हो जाएगा। ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर किसी खतरे से बाल बाल बचना, आंसर हो जाएगा इसका ए। प्लीज़ बी ब्रीफ एज यू कैन, आई हैव अदर फिश टू फ्राई, जितना संक्षेप में कह सकते हैं अपनी बात कही, मुझे बहुत और भी दूसरे काम हैं। तो अदर फिश टू फ्राई होता है मतलब दूसरे महत्वपूर्ण जो काम होते हैं वो। टू कुक द फूड भोजन बनाना, टू टेक रेस्ट आराम करना, टू सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू दूसरे कुछ महत्वपूर्ण काम होना, टू अटेंड द फ्रेंड को अटेंड करना उनके साथ जाना। तो अदर फिश टू फ्राई जाएगा, सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, आंसर हो जाएगा सी। हिज आर्गूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, उसके तर्क में दम नहीं है। होल्ड वाटर मतलब अपनी इसकी बात में कोई होल्ड वजन नहीं है, बात तर्क नहीं है, तर्क संगत बात नहीं है। टू हैव इफेक्ट परिणाम होना, टू इन्फ्लुएंस प्रभाव होना, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर पानी के प्रवाह को रोकना, साउंड लॉजिकल इफेक्ट तर्क संगत बात करना या तर्क संगत लगना, तो होल्ड वाटर हो जाएगा साउंड लॉजिकल फैक्ट, आंसर हो जाएगा सर डी। ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच, वह बहुत अच्छा बोला यद्यपि यह उसका प्रथम भाषण था। तो मेडन स्पीच होता है प्रथम भाषण, लॉन्ग स्पीच लंबा भाषण, फर्स्ट स्पीच पहला भाषण, ब्रीफ स्पीच संक्षेप में दिया गया भाषण, इमोशनल स्पीच मतलब भावना में दिया गया भाषण, तो भावुक भाषण, तो मेडन स्पीच हो जाएगा फर्स्ट स्पीच पहला भाषण, आंसर हो जाएगा बी। द डिटेक्टिव वेंट अब्रॉड इन सर्च ऑफ ए कल्प्रिट बट हिज जर्नी प्रूव टू बी अ वाइल्ड गुड चीज। देखिए डिटेक्टिव होता है जासूस, अब्रॉड विदेश, कल्प्रिट दोषी अपराधी। तो जो जासूस था वो विदेश चला गया अपराधी को खोजने के लिए, लेकिन उसकी जो यात्रा थी वह व्यर्थ प्रयास साबित हुई। तो वाइल्ड गुड चीज होता है व्यर्थ प्रयास, एक्सपेंसिव महंगा, फुल ऑफ डिफिकल्ट कठिनाइयों से भरा हुआ, अनप्रॉफिटेबल जिसका कोई लाभ ना हो, व्यर्थ प्रयास, इल एडवाइज्ड मतलब जिसको खराब सलाह दी गई हो, ए वाइल्ड गुड चेज जाएगा अनप्रॉफिटेबल, आंसर हो जाएगा सी। द गर्ल टुक आफ्टर हर फादर, सी इज वेरी एमेबल लाइक हिम, लड़की जो है अपने पिता पर गई है, वह उन्हीं की भांति मिलनसार है, मैत्रीपूर्ण है। तो टुक आफ्टर होता है किसी के चेहरा या स्वभाव में समानता होना, टुक आफ्टर, सिमिलर टू समानता होना, डिफरेंट भिन्न, बिहाइंड पीछे, टेक लेना, तो टुक आफ्टर हो जाएगा सिमिलर टू समान होना, आंसर हो जाएगा इसका ए। टू ब्रिंग समवन टू बुक, बुक मतलब किताब, यहाँ बुक मतलब कानून की किताब है, तो किसी को कानून की किताब के पास क्यों लाया जाएगा, सजा देने के लिए लाया जाएगा, कानून के अनुसार क्या सजा है उसकी। टू बी पनिश्ड और मेड टू अकाउंट फॉर समथिंग, किसी को सजा देना या जिम्मेदार ठहराना। टू टेक समवन टू द बुक स्टोर, किसी को बुक स्टोर पर ले जाना। टू मेक समवन बाय ए बुक, किसी को किताब खरीदवाना। टू फोर्स ए चाइल्ड टू स्टडी ए बुक, किसी लड़के को फोर्स करना, बाध्य करना किसी किताब को पढ़ने के लिए, किसी बच्चे को बाध्य करना। To bring someone to book हो जाएगा, to be published or made to account for something, आंसर हो जाएगा इसका ए। The much hyped event turned out to be a 9 days wonder, वह घटना जिसका हाइप होता है किसी चीज़ का पहले से ही बहुत बढ़ा चढ़ा के माहौल बना देना, हाइप। तो वह घटना जिसका बहुत ज़्यादा, जैसे कोई फिल्म होती है रिलीज होने से पहले उसका इतना हाइप कर दिया जाता है, पता चला कि पता नहीं कौन सी फिल्म है, कैसी फिल्म है, तो उसका बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया जाए। तो ये जो घटना जो थी जिसका बहुत हाइप बना दिया गया था वो कुछ खास साबित नहीं हुई। 9 days wonder जिसे हिंदी में कहते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े समय की चमक दमक फिर उसके बाद गायब हो जाना, 9 days wonder। एन इवेंट दैट लास्टेड फॉर 9 days, जो घटना 9 दिनों तक चले, क्रिएटेड ऑफ फॉर 9 days, 9 दिनों तक कोई बहुत आ उत्पन्न करना, आ मतलब बड़ा अच्छा वर्ड है, और मतलब होता है श्रद्धा युक्त भय, मतलब जिससे आप डरते भी हों और थोड़ा उनका सम्मान भी करते हों, ऐसा होता हो। ए डजलिंग स्पेक्टिकल ऑफ ग्रेट वैल्यू, मतलब बहुत बहुत ऐसा कोई चमक दमक वाली शानदार घटना जिसका बहुत भारी महत्व हो। ए डजलिंग शॉर्ट लिव स्पेक्टिकल ऑफ नो रियल वैल्यू, चमक दमक वाली कोई ऐसी छोटी मोटी घटना जिसका कुछ खास मतलब ना हो। तो 9 days wonder यहाँ पर हो जाएगा a dazzling short-lived spectacle of no real value, आंसर हो जाएगा डी।
लिसनिंग टू द लेक्चर वाज वॉचिंग ग्रास ग्रो, ग्रास ग्रो मतलब घान का, सॉरी घास का उगना, वॉचिंग मतलब देखना। आप घास को उगते हुए आप देखेंगे तो कैसा बोरियत नहीं लगेगी उसमें, कितना लंबा समय लगेगा। तो लेक्चर को सुनना लग रहा था कि जैसे एकदम वॉचिंग घास ग्रास ग्रो, बहुत ही उबाऊ काम था। वेरी बोरिंग बहुत उबाऊ, वेरी इंटरेस्टिंग बहुत ही रोचक, वेरी कन्फ्यूजिंग बहुत ही भ्रामक, वेरी इन्फॉर्मेटिव बहुत ही जानकारी भरा या सूचना भरा। तो वॉचिंग ग्रास ग्रो हो जाएगा वेरी बोरिंग, बहुत ही उबाऊ आंसर हो जाएगा इसका ए। सडनली द बैलून ग्लो गोज अप इन द मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन, अचानक वार्तालाप के मध्य में कोई बात बहुत अचानक बिगड़ गई है। भाई कोई बच्चा बैलून उड़ा रहा है, अचानक हाथ से छूट जाए, उड़ जाए, तो वो द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस, किसी सिचुएशन का, स्थिति का अचानक अप्रिय हो जाना, गंभीर हो जाना। ए सडन शिफ्ट इन द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, वार्तालाप में टॉपिक बदल जाना, अचानक बदल जाना। द कन्वर्सेशन टेक्स ए लॉन्गर लाइटर नोट, हल्के फुल्के माहौल में बात करना। एब्रप्ट साइलेंस टेक्स प्लेस, अचानक चुप्पी छा जाना। द बैलून गोज हो जाएगा द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस, आंसर हो जाएगा सही। द गिफ्ट ऑफ द गैप होता है बहुत अच्छा बोलने की कला, कुछ लोग होते हैं आप देखें जिन्हें बहुत ही अच्छा बोलने की कला होती है। एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला, ऑथोरिटेटिक हुक्म चलाने वाला, ऑथेंटिक असली, ओरेटरी पावर अच्छा बोलने की कला, द गिफ्ट ऑफ द गैप हो जाएगा ओरेटरी पावर, आंसर हो जाएगा इसका डी। टुक हिम टू टास्क होता है डांटना, मेड हिम वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करवाना, रिब्यूक्ड हिम डांटना, एनस्लेव गुलाम बना देना, चैलेंज हिम चुनौती देना। तो टुक हिम टू टास्क हो जाएगा रिब्यूक हिम डांटना, आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ये थे 100 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और इस ये बहुत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, इस पूरे मटेरियल का जो प्रिंटेड वर्जन है वो एक ब्लॉग पेज पर उपलब्ध है जिसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप वहाँ पर जा करके भी इस पूरे मटेरियल को पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।